नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्राप्त जानकारी के अनुसार हलिया थाना क्षेत्र के सोनकर बस्ती में 20 सितंबर को एक व्यक्ति के यहां कार्यक्रम में भोजन करने के बाद बस्ती के पांचवे दिन भी 5 लोग बीमार मिले, जिनका उपचार उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं दिन प्रतिदिन मरीज निकल ही रहे हैं। फूड पॉइजनिंग की चपेट में आने से उल्टी दस्त शुरू हो गई है, जिसमें सोमवार को मंजू 28 साल की, विजय 65 साल के, सोनी 28 साल की, लवलेश 35 साल के तथा विजय कुमार का 2 वर्षीय का बेटा लखनदास का उपचार उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। कुछ मरीजों को तो डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बस्ती में निकल ही रही है। चिकित्सक ने बताया कि हालात सामान्य है, जहाँ एक तरफ लोगों द्वारा फूड पॉइजनिंग बताया जा रहा है, वहीं कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो उल्टी और दस्त से पीड़ित हैं, जो कि उस कार्यक्रम में नहीं गए हुए थे। मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्षेत्र में डायरिया प्रकोप से लोग प्रभावित हैं। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए मिर्जापुर से संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट।